पास पहुंचे हैं, जैसे ही बहुत जोरों से बारिश चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरे ग्राउंड को जो अभी डेवलप किया गया है, बारिश का वो नज़ारा बहुत खूबसूरत, लाखों की संख्या में पब्लिक आई है आज। ब्लैक ये वो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज और साथ में इंडियन आर्मी के तीनों पहली बार देखने का मौका मिला है दिल्ली में जब से ये बना है। गुड इवनिंग साथियों, मैं सुनील बोध और अभी दिल्ली के नेशनल मेमोरियल हॉल में आए हैं और ये नेशनल मेमोरियल हॉल वो है जो भारत सरकार द्वारा भी बनाया गया है शहीदों की याद में और अमर जवान ज्योति को जो के बिल्कुल बगल में ये नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया है इंडिया गेट के साथ में और काफ़ी बेहतरीन आज 15 अगस्त 2022 का ये नज़ारा है। चारों तरफ देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका चारों तरफ उसका बाउंड्री लगाई गई है, हजारों ही नहीं लाखों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ इंडियन आर्मी के तीनों फ्लैग और पीछे आप देख सकते हैं इंडिया गेट के सामने जो बनाया गया है नेशनल वार मेमोरियल का चिन्ह, जिसमें अशोक का चिन्ह काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ ये लगाया गया है। चारों तरफ का ये आपको ये मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसकी प्रामाणिकता और ऐतिहासिकता दिखाना चाहूँगा आपको। ये वो नाम लिखे गए हैं बकायदा जो भी शहीद हुए थे, आप गौर से देखिए उनका जो बेल्ट नंबर रहा या उनको जो नंबर प्रोवाइड होता था सरकारी, उस नंबर के हिसाब से नाम और नाम के साथ में किस फोर्स के अंदर थे, कहां से थे, ये सारे वो चारों तरफ ये नाम। और ये वो अशोक चिन्ह जो पिलर के ऊपर बिठाया गया है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ। दिलीप जी हमारे बीच में है इस नेशनल मेमोरियल में, सर कैसा लग रहा है यहाँ आके आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें इतना मज़ा आ रहा है यहाँ घूम के देखने लोगों को देखते हुए, यहाँ पूरा इमोशनल हो गया हूँ मैं देख के यहाँ की सारी मेमोरी। ये आपके पीछे जो रेड कलर की जो दीवार टाइप की दिख रही है इन पे कुछ नाम लिखे हुए, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, खास करके जो भी वार हुए हैं कारगिल का हो गया या सारे जो भी हुए हैं उनमें इन लोगों ने बहुत बड़ा साथ दिया अपनी अपने जान के लिए, उनके लिए कहना तो बहुत ही छोटी बात होगी, उनके लिए जितना कुछ बोला जाए सब कुछ उतना ही कम है। हमारे बीच में डॉक्टर सुरेश जी है, सुरेश जी कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ आकर, क्या कहना चाहोगे? हाउ यू फील? शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि हमारे परिवार में भी पहले कई ऐसे फौजी रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने आप को निछावर किया है, इस चीज़ को देख के मुझे लग रहा है कि मुझे फौज में होना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए था और डेफिनेटली हम फौज में तो नहीं गए क्योंकि उम्र काफ़ी निकल गई है, लेकिन ज़रूर हम सोशल के या ऐसे कई काम हैं जो हम करेंगे देश के लिए और देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, ये उम्मीद है। सुरेश जी दिल्ली में ही रहते हैं क्या, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपका आना हुआ है? हाँ जी, पहली बार हम यहाँ अपने मित्रगणों के साथ आए हैं और इतना मतलब बता नहीं सकता मैं शब्दों में, एक अलग ही अनुभूति हो रही है मुझे यहाँ पर। देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, 76वें वर्षगांठ में प्रवेश कर चुके हैं, कैसा फील करोगे, क्या कहना चाहोगे देशवासियों को? जितना हो सकता है हमारे देश में साफ सुथरा रखें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, जय हिंद। बस यही उम्मीद के साथ मैं सभी भारतवासियों को जय हिंद कहना चाहूँगा और
इस 75 वर्षगांठ की जो है तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसी तरीके से अपने जीवन को खुशमय बनाते रहें और फूलों की तरह आके महकाते रहें। ये थे हमारे डॉक्टर सुरेश जी जो दिल्ली में ही रहते हैं और अच्छी सर्विस करते हैं, और सर्विस के साथ साथ सोशल भी है। हमारे बीच में शशि कुमार जी है। शशि कुमार बोध जी, कैसे लग रहा है आज पहली बार यहाँ आकर? सभी साथियों को बधाई जाए और समस्त भारतवासियों को 15 अगस्त 70 साल पूरे होने की उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं। और आज हम आए हैं इंडिया गेट के पास जो नेशनल वार मेमोरियल है, वहाँ आज हम घूमने के लिए आए हैं और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाल बहादुर पत्थर पत्थर है, इसका जो 1971 और 1965 और 1999 में जो युद्ध हुए हैं और उसमें जो हमारे वीर जो शहीद हुए थे उनके इस पर आज नाम लिखे हुआ दिखा सकते हैं यहाँ पे। इसलिए ये वार मेमोरियल बनाया गया है ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है और जो अब फिलहाल चल रही है उनको भी पता लगे कि हमारे वीर सपूत ने इस देश के लिए कितना बलिदान दिया, कितना योगदान दिया है और किस तरह से साहस जुटा के उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया है। बहुत बढ़िया। तो ये थे शशि कुमार बोध जी जो यहाँ के बारे में और यहाँ के जो चीज़ें लगाई गई है उसके बारे में जानकारी दी, जैसे डॉक्टर सुरेश जी ने बताया और दिलीप जी ने बताया कि आखिर यहाँ आकर इनको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है इनको। और काफ़ी बेहतरीन, और ये बिल्कुल बगल में आप देख सकते हैं इंडिया गेट, और इंडिया गेट के बिल्कुल साथ में ही ये नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया है और काफ़ी आज 15 अगस्त 2022 में बहुत ही बेहतरीन ये नज़ारा है। अमर जवान ज्योति के पास पहुंचे हैं, जैसे ही बहुत जोरों से बारिश चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं पूरे ग्राउंड को जो अभी डेवलप किया गया है, बारिश का वो नज़ारा बहुत खूबसूरत, लाखों की संख्या में पब्लिक आई है आज। ब्लैक 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 वो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज और साथ में इंडियन आर्मी के तीनों पहली बार देखने का मौका मिला है दिल्ली में जब से ये बना है। बंदा वहीं खड़ा था, वो बंदा भाग गया। ना चारों तरफ ये जो डेवलप किया गया है पूरी पब्लिक देख रहे हो कि गोल धारे में जो बनाया गया है ये इसके चारों तरफ पब्लिक को खड़े होने का जो रास्ता मिला है, भारत के साथ में चलने का सर के नीचे छत मिली है और इसलिए वही नेशनल मेमोरियल वार अंदर का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ आपको। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी जिसके बाद नंबर में आया हमारा अंदर आने का, और 15 अगस्त के दिन देखने वाली और ऐतिहासिक चीज़ है। ये राष्ट्रपति भवन का मेन गेट है और ये जो बैरिकेड आप देख रहे हो ये सारा वो सिक्योरिटी सिस्टम जो लगा रखा है। और आज 15 अगस्त तमाम पब्लिक आई है यहाँ पर। और राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने ये इंडिया गेट का वो नज़ारा, यहीं से ही 26 जनवरी के परेड रहा राजपथ रोड बोला जाता है जहाँ से निकलती है।
देख सकते हैं आप 15 अगस्त शाम 5 बजे का ये नज़ारा। राष्ट्रपति भवन का वो बेहतरीन नज़ारा, वो मेन रोड जहाँ से राष्ट्रपति भवन की तरफ जाया जाता है, और 15 अगस्त 2022 का ये शाम 5 बजे का नज़ारा। अभी बरसात रुकी है, बरसात के बाद जो नज़ारा आप देख रहे हो बड़ा बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन। अंग्रेज़ों ने ये जो बनाया था, नई दिल्ली जब बसाई गई थी उसी प्रोजेक्ट में ये राष्ट्रपति भवन को बनाया गया था, और जो अभी नए राष्ट्रपति को चुना गया है वो उनका ये निवास है दिल्ली के अंदर। अरे यहाँ तक तो अलाउड ही है यार, अरे वो फरवरी में है। एक भी दिख रहा है